गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एस ए नोड और ए वी नोड की डीपोलराइजेशन किस तरह होती है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर सेल्स, तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एस ए नोड एंड ए वी नोड की डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि सोडियम आता है और हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेश होल्ड पर जाता है और उसके बाद डिपोलराइजेशन हो जाती है। ठीक है, और उसमें प्लेटोफेज था। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि एस ए नोड या ए वी नोड किस तरह काम करते हैं। तो फर्स्टली कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है किसी भी कैप जंक्शन से या इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, जब मायोकार्डियल सेल में एस ए नोडल सेल में इंटर होता है। तो कैल्शियम जो है वो इंटर होने के बाद हमारा इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 30 होता है, वो 45 पे जाता है। ठीक है, तो अभी देखें इसमें जो चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो एस ए नोड और ए वी नोड होते हैं, इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 होता है। हमारा एट्रियल और वेंट्रिकुलर में जो था वो -90 था। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो ये चैनल्स हैं, कैल्शियम चैनल्स, सॉरी पोटाशियम चैनल्स और सोडियम चैनल्स, ये लीकी चैनल्स होते हैं एस ए नोड और ए वी नोड में। इन लीकी चैनल्स की वजह से होता क्या है कि ये पॉजिटिव चार्जेस मोस्टली अंदर आते रहते हैं बगैर किसी रुकावट के। तो सोडियम के बहुत ज़्यादा अंदर आने की वजह से हमारा जो ये इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -60 होता है। ठीक है, एस ए नोड और ए वी नोड की एक ये बात है इस के इन ये स्पेशल होते हैं ऑटोमेटिसिटी में। ऑटोमेटिसिटी का मतलब ये होता है कि इनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होता। जो हमारा दूसरा था एट्रियल और वेंट्रिकुलर में, उसका यहाँ पे स्ट्रेट जाके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर हमारा थ्रेश होल्ड की तरफ मूव करता था। तो इसमें क्या होता है कि -60 से ये रुकता नहीं है या स्ट्रेट नहीं जाता, ये डायरेक्ट थ्रेश होल्ड की तरफ चला जाता है। ठीक है, थ्रेश होल्ड कैसे इंटर होगा? फर्स्टली कैल्शियम इंटर होगा और कैल्शियम के इंटर होने से हमारा जो है -60 मिलीवोल्ट -45 मिलीवोल्ट तक चला जाएगा, ये मेन के थ्रेश होल्ड तक। फिर हमारा सोडियम इन्फ्लक्स होगा और पोटाशियम बाहर जाएगा। इनकी वजह से हमारा पहले सोडियम इन्फ्लक्स होगा तो उसकी वजह से हमारा डिपोलराइजेशन होगा। ठीक है, ग्राफ यहाँ पे जाएगा और अगेन जब पोटाशियम आउट होगा तो हमारा रिपोलराइजेशन हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो अगेन ये सर्कल इसी तरह फिर से स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आएगा, अगेन थ्रेश होल्ड पर जाएगा ड्यू टू कैल्शियम, अगेन डिपोलराइजेशन ड्यू टू सोडियम, रिपोलराइजेशन ड्यू टू पोटाशियम, और इसी तरह ये सर्कल चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसमें जो मेन डिफरेंस है -60 होता है और हमारा थ्रेश होल्ड जो होता है वो -45 होता है। सॉरी, आई कैन चेंज पेन। ठीक है, तो इसी तरह इन सेल्स के दरमियान भी गैप जंक्शन होते हैं जिससे थोड़ा सा कैल्शियम और आगे मूव कर जाता है। फिर ये सेल रिपोलराइज होगा, रिपोलराइज होगा, फिर नेक्स्ट होगा। तो ये मैंने ऐसे नोड सेल और एवी नोड सेल्स बनाए थे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट एट्रियल सेल डिपोलराइजेशन होती है वो मेनली जो है स्टार्टिंग में कैल्शियम की वजह से होती है। ठीक है, जब कैल्शियम की वजह से होती है तो उसके बाद फर्दर हमारा यहाँ से फिर नेक्स्ट सोडियम आगे इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड तक लेके जाता है। लेकिन स्टार्टिंग जो फर्स्ट सेल ऑफ द एट्रियम जो है वो डिपोलराइज होगा, वो या स्टिमुलेट होगा ड्यू टू कैल्शियम होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये देख लें कि ये इस स्टाइल का होता है कि -60 से -45 तक। ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है, ये देखें, ये एस ए नोड यहाँ तक और फिर ए वी नोड। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस ये है कि ये जो है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से डायरेक्ट और तेज़ी के साथ थ्रेशोल्ड पे जाता है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड पे जाने के लिए थोड़ा सा करंट को रोकता है। इस करंट के रोकने की मेन वजह ये होती है कि जब एट्रियम डिपोलराइज होगा और ब्लड नीचे मूव कर जाएगा और फिर थोड़ा सा स्टे आएगा ऐसे ए वी रोड में स्टे आएगा, उस दौरान सारा का सारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में शिफ्ट हो जाएगा और फिर जो ए वी नोड है वो हमारा वेंट्रिकल को डिपोलराइज कर देगा और फिर ब्लड बाहर की तरफ पंप हो जाएगा। तो ये एक इसमें ये ग्राफ में हल्की सी चेंजिंग होती है, ये देखें इस ये चीज़।
तो ये मेनली किस वजह से होती है हमारी, ताकि हमारा जो करंट है वो एवी नोड में कुछ देर के लिए रुक सके, उतनी देर में हमारा जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में शिफ्ट हो सके। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। डॉक्टर्स, अगर आपको कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दिया करें। ठीक है, होप सो कि जब भी मैं फ्री हुआ करूँगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह, या टीम जो भी एडिटिंग करते हैं या जो भी फ्री होगा इंशाल्लाह हमारी टीम में से आपको रिप्लाई कर देगा। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।